हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गल्फ़ आइडिया चैनल पे। दोस्तों, अगर आप गल्फ़ की हर दिन रोज़ नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को तुरंत अभी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। दोस्तों, जो कतर की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कतर सरकार ने दोस्तों 15,000 रूम बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों, जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाली है, तो दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्ल्ड कप होने वाली है दोस्तों कतर में, वो 2022 में होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों जो स्टेडियम में दोस्तों 15,000 रूम बनाने का फैसला लिया गया है और ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें दोस्तों वर्कर लेबर की बहुत ही भारी मतों में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और जो लोग भी वर्कर लेबर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग को इस कंपनी जब ये कंपनी प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर देगी तो आपको हायर कर लेगी जो भी वर्कर लेबर वहाँ पे काम करते हैं। दोस्तों, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फीफा वर्ल्ड कप होने वाली है 2022 में, और ये दोस्तों इसमें दोस्तों अलग अलग देश से लोग आएंगे खेलने के लिए दोस्तों इस स्टेडियम में। और दोस्तों जो कतर की अगली खबर है दोस्तों, कतर सरकार ने दोस्तों एक बहुत बड़ा हवाई पोर्ट को तैयार कर लिया गया है दोस्तों। इसमें हर दिन टाइम से दोस्तों कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी, और इसमें दोस्तों जो भी शिप जहाज़ वगैरह आएंगे रबर टायर गैंट्री क्रेन इसमें लोड होगी दोस्तों। और ये दोस्तों कतर से दोस्तों कंटेनर टर्मिनल टू से रवाना की जाएगी। और दोस्तों तो कतर की अगली खबर है दोस्तों, जो भी कतर में जो भी गाड़ी बेकार हो चुकी है और उन्हें ज़बरदस्ती रोड पे चलाया जा रहा है या उनकी परमिट ख़त्म हो गई है और वो चलाने का लायक नहीं है, फिर भी कतर में गाड़ी को चलाया जा रहा है, तो कतर सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी गाड़ी वहाँ पे बिल्कुल कंडीशन ख़राब है उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा उन्हें इस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो लोग इस फैसले को नहीं मानेंगे दोस्तों उस पर पेनाल्टी लगेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो फैसला लिया गया है दोस्तों कतर सरकार की तरफ से लिया गया है। ये जो वहाँ के जो कानून है दोस्तों 187 PA कानून आधारित है, जो गाड़ी की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है सरकार की तरफ से ही गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और दोस्तों जो कतर की अगली खबर है दोस्तों, 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो होम क्वारंटाइन के नियम को तोड़ रहे थे। दोस्तों, जो कतर के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है उसने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि जो लोग भी होम क्वारंटाइन में हैं अगर वो नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और उन पर पेनाल्टी लगाई भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों जो भी होम क्वारंटाइन में है वो अच्छे से होम क्वारंटाइन रहें और नियम कानून का बिल्कुल ख्याल रखें। दोस्तों, जो लोग 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जो पहला है दोस्तों अली अब्दुल्ला, दूसरा है मुबारक अहमद और तीसरा है दोस्तों राशिद अब्दुल्ला और चौथा है दोस्तों मोहम्मद बिलाल। दोस्तों, ये चारों को दोस्तों होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ रहे थे इसलिए चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। और दोस्तों जो कतर की अगली खबर है दोस्तों, कतर टीम ने फर्स्ट प्राइज जीता है रसिया में। दोस्तों, जो कतारी आर्म फोर्स ने एक भाग लिया था जो कि हर साल रसिया में होता है टैंक बैथालोल 2020 कंपटीशन के नाम से, इसमें दोस्तों लगभग 16 देश शामिल हुए थे जो कि कतर पहली नंबर पर आ गई है दोस्तों। और दोस्तों जो कतर की अगली खबर है दोस्तों, कतर एयरवेज की तरफ से दोस्तों 41 लोगों को वियतनाम भेज दिया गया है स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम करके, जो कि इसमें बच्चे लेबर और टूरिस्ट वीज़ा वाले शामिल थे। और दोस्तों जो वियतनाम के लोग मोजम्बी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया में अगर फंसे हैं तो कतर एयरवेज उसके लिए वियतनाम जाने के लिए फ़्लाइट का इंतजाम कर रही है, जो कि हर शख्स का जो फ़्लाइट का जो किराया होगा दोस्तों 970 कतरी रियाल होगा। दोस्तों, जो लोग भी कतर में फंसे हैं दोस्तों वो कतर मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करें, वो आपके लिए फ़्लाइट का इंतजाम कर देगी दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह आप गल्फ़ की हर दिन रोज़ नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी आप प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लें।